हाय गाइस, यू आर वाचिंग व्लॉग रवि। एंड बहुत समय बाद मैं एक व्लॉग लाया हूँ जिसमें मैं जा रहा हूँ पार्क साइड घूमने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से मैं घर बैठे बैठे बोर हो रहा था। तो छोटा मोटा यूट्यूबर बैठा है मेरे बगल में, देखिए गाइस ये बड़ा बोलता है। गाइस चलते हैं हम जरा पार्क साइड घूमने के लिए, देखते हैं दोस्तों के हाल। तो गाइस चलते चलते मैंने देखा कि बीच में एक सांड आ खड़ा है। तो गाइस ऐसे में सांड को बहुत नुकसान होता है कि वो बीच में गाड़ी घोड़ी के नीचे ना आ जाए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? ब्लॉगर क्या हाल है? बढ़िया भैया, क्या हाल है? तो कहाँ घूम रहे हो आप, क्या कर रहे हो? खत्म। तो भाई जैसे कि आपने देखा कि मेरे को अभी एक मेरा मतलब छोटा सा वो मिला था, क्या बोलते हैं, जैसे कि सेलिब्रिटी का फैन होता है ना, वैसे वो मेरा छोटा सा फैन था ऋषिकेश में, क्योंकि ऋषिकेश में नंबर वन का टॉप यूट्यूबर आपके सामने खड़ा है। समझ रहे हो? जो कि पेड़ के नीचे है अभी। तो भाई वो मिला था, तो उन्होंने बहुत पूछा मेरे से, बातें बूते करी, तो फिर रोड क्रॉस कर लिया हमने छोटे से पार्क में जाने के लिए। वहाँ कूदाएंगे हम बंदों को। चलो तो गाइस यार जैसे आप देख रहे हैं छोटा सा पार्क है, तो इसी की तरह यहाँ पर ये झूला भी है, देखो टूटा हुआ है। तो गाइस इसी मतलब इसी गली के पास यहाँ पर छोटी सी बस्ती है। तो गाइस वहाँ के बच्चों ने कड़ा हुआ है यहाँ का दुहाड़, ये देखिए गाइस यहाँ पर कोई बैठ गया तो उसके सरिया चूभ जाएगा। A few moments later. तो भाई साहब देख रहे होंगे मैं पिछले जन्म में शायद से बंदर था। तो भाई इतनी फूर्ती है मुझ में, तो भाई इतनी फूर्ती मेरे पे, नीचे भी देख ले। मैं इसमें लटकता आ रहा हूँ और यहाँ नीचे से ऊपर चढ़ता हूँ क्योंकि मुझे जाना है आर्मी में। मजा आया। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बच्चों के झूले में चढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है इसमें झूलने में। तो देखिए गाइस बच्चे तो झूलते हैं नीचे पर मेरी टांग फिसल गई। तो गाइस आप सब्सक्राइब के बटन पे गोबर फेंक के मारो या टट्टी, लेकिन बटन दब जाना चाहिए और घंटे के बटन पे छींटे पड़ने चाहिए ताकि ऑल पे सेट हो जाए मेरी अच्छी वीडियो दिखने के लिए, नोटिफिकेशन आप पे पहले पहुंच जाए। तो ऐप्स बनाते हुए एक छोटा सा नमस्कार और बाय बाय। तो गाइस जाते हुए एक छोटा सा पत्थर खिड़की पे। अरे गाइस उसने सच्ची में मार दिया इसकी बहन को।